अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और उसे कैसे देखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था, उसी के आधार पर हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाते के बारे में बताएंगे। वैसे हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस में 9वीं वीडियो में ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं ये बता चुके हैं, फिर भी जो जरूरी है उसे फिर से समझ लेते हैं। जब हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है मुनाफा यानी लाभ कमाना, और इसी उद्देश्य से हिसाब किताब भी रखा जाता है। हिसाब किताब रखने से ही हमें पता चलता है कि व्यापार या व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। आपको याद होगा कि हमने मैनुअल अकाउंटिंग समझाते समय ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली 8वीं और 9वीं वीडियो में बताया था कि सभी अकाउंट्स को उनकी प्रकृति के हिसाब से लायबिलिटीज, असेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस में बांटा जाता है, और वर्ष समाप्ति पर व्यवसाय में प्रॉफिट हुआ या लॉस ये निकालने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस में से इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होते हैं। पर जैसा कि हमने आपको बताया था, हमें टैली प्राइम में इस तरह का कोई काम नहीं करना होता है। टैली प्राइम हमें स्वयं ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दे देता है। हमने आपको ये भी बताया था कि मैनुअल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, जबकि टैली इन दोनों को एक साथ इकट्ठा दिखाता है, और टैली में इसका नाम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टैली प्राइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं। टैली में इसे देखने के दो तरीके हैं। पहला, अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ आप रिपोर्ट्स के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं, और दूसरा, यदि आप टैली में काम कर रहे हैं और उसे बंद किए बगैर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहते हैं तो गो टू पर क्लिक करें। देखिए, यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई पड़ रहा है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पी प्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, आप जब भी कोई रिपोर्ट ओपन करें उसका पीरियड जरूर चेक करें। देखिए, यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ की तारीख से लेकर जिस तारीख में हमने आखिरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं जो कि 31 मार्च है, वहां तक का पीरियड दिखाई दे रहा है। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रायः फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ यानी 1 अप्रैल से वर्ष के अंत यानी 31 मार्च तक के लिए बनाया जाता है, पर टैली हमें सुविधा देता है कि हम F2 प्रेस करके किसी भी पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का पीरियड ही चाहिए था जो कि पहले से ही आ रहा है। देखिए, इसमें पूरे वर्ष की ग्रुप वाइज रिपोर्ट आ रही है। ऑल्टर और F5 प्रेस करके हम इसे डिटेल्ड कर लेते हैं। देखिए, ऐसा करते ही हमारे ग्रुप्स के अंदर जो भी लेजर्स बने हुए थे वो दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे की ओर हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए पीरियड का नेट प्रॉफिट आ रहा है। टैली की इस रिपोर्ट को अच्छे से समझने के लिए हम इसे मैनुअल अकाउंटिंग की तरह ही ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए F12 प्रेस करके यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में शो ग्रॉस प्रॉफिट ऑप्शन को यस कर रहे हैं और इस विंडो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही अब यह अकाउंट दो भाग में दिखाई पड़ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए अब देखते हैं कि ये दोनों खाते क्या हैं और इन दोनों खातों में से किस खाते में इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित कौन से अकाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है। व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट वो खाता है जो व्यापार के सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट या सकल हानि यानी ग्रॉस लॉस को मालूम करने के लिए बनाया जाता है। इस खाते में व्यापार में हुई खरीद बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और सभी प्रत्यक्ष व्यय शामिल किए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं।
इसमें यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा ग्रॉस लॉस कहलाता है। देखिए, यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक है, मतलब यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें ट्रेडिंग अकाउंट से प्राप्त होता है, आगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। इसे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्रेडिट साइड की टोटल 20,62,000 है और डेबिट साइड की टोटल 19,67,103 है, और इन दोनों का डिफरेंस 94,897 है। अब या तो आप इस डिफरेंस को सीधे नीचे लिखकर काम करें, या फिर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से यहां डिफरेंस लिखकर दोनों पक्षों को बराबर कर लें और फिर इस डिफरेंस यानी ग्रॉस प्रॉफिट को अपोजिट साइड में लिखकर यहां पर आगे काम करें। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर काम कर लेते हैं, पर उससे पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी होगी। व्यापार खाता बनाने के बाद लाभ हानि खाता बनाया जाता है और इससे व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को निकाला जाता है। इसमें व्यापार खाते में हमने जो इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट ले लिए हैं उनको छोड़कर शेष सभी खाते लिए जाते हैं, यानी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के सभी खाते इसमें लिए जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे हैं। इसमें यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है, और यदि इसके स्थान पर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो उसका मतलब होता है कि हमें नेट लॉस हुआ है। देखिए, यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक है, इसका मतलब यहाँ हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को सरल तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा लकड़ी के दरवाजे बनाने का एक कारखाना है, जिसमें हम एक दरवाजा बनाने का कच्चा माल यानी लकड़ी 2,000 रुपए में खरीदते हैं। उस लकड़ी को सप्लायर से खरीद कर हमारे कारखाने तक लाने में रिक्शा भाड़ा 200 रुपए और फिर लकड़ी से दरवाजा बनाने के लिए 1,000 रुपए मजदूरी देते हैं। इस तरह से बेचने लायक दरवाजा बनाने में हमें कुल 3,200 रुपए की लागत आई। अब इस दरवाजे को हमने 5,000 रुपए में बेच दिया तो विक्रय मूल्य में से लागत कम करने पर जो लाभ होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ कहते हैं, जो कि यहाँ पर 1,800 रुपए है। इसके विपरीत जब हमारी लागत 6,000 होती और हम उसे बेचते 5,000 रुपए में तो हमें 1,000 रुपए का जो नुकसान होता उसे ग्रॉस लॉस यानी सकल हानि कहते। अब मान लीजिए हमने दरवाजा तो 5,000 रुपए में बेच दिया, पर वो किसी एजेंट के माध्यम से बेचा जिसके लिए हमें उस एजेंट को कमीशन के 500 रुपए देना होंगे। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट 1,800 रुपए में से माल बेचने पर जो भी खर्च हुए होंगे, जैसे यहाँ कमीशन हमने 500 रुपए दिया है, तो ये कम करना होगा। इस प्रकार 1,800 रुपए में से 500 रुपए कम करने पर हमारे पास बचे 1,300 रुपए। ये हमारा नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ कहलाएगा। पर मान लीजिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो 1,800 रुपए का हुआ, पर हमने दरवाजा बेचने के लिए 2,000 रुपए कमीशन दे दिया, तो हमें जो 200 रुपए का नुकसान हुआ है वो हमारा नेट लॉस यानी शुद्ध हानि कहलाएगा। चलिए अब वापस टैली पर चलते हैं। यदि आप इन सभी लेजर्स को परसेंटेज के साथ देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करके यहाँ दिखाई पड़ रहे शो परसेंटेज ऑप्शन को यस कर दें और कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। ये देखिए, ऐसा करते ही सेल्स लेजर के आधार पर सभी लेजर्स का परसेंटेज भी आ रहा है। यदि आप इसका व्यू बदलना चाहते हैं तो F12 प्रेस करें और यहाँ दिखाई पड़ रहे शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें।
देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्टिकल फॉर्मेट में आ गया है। वापस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के लिए F12 प्रेस करें। अब शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नो करें और शो ग्रॉस प्रॉफिट को यस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। ये देखिए हम वापस से पहले वाली स्थिति में आ गए हैं। इस तरह से अभी जो भी हमने बताया उसका सारांश ये है कि ट्रायल बैलेंस से इनकम और एक्सपेंसेस के सभी खाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जो प्रॉफिट या लॉस प्राप्त होता है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि हम आपको बैलेंस शीट वाली अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि किस माह में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो उसके लिए ऑल्टर और एन प्रेस करें और कॉलम डिटेल्स में से मंथली सिलेक्ट करें। ये देखिए पूरे 12 महीनों की अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। चूंकि हमने 1 अक्टूबर से काम शुरू किया था, इसलिए हम अक्टूबर माह से रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए यहाँ हर माह में उससे संबंधित सभी लेजर्स की डिटेल्स आ रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं इस माह हमें 4,780 रुपए प्रॉफिट हुआ है। अब हम ऑल्टर और एन प्रेस करके ईयरली सिलेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया है। अब हम अंत में आपको 3 महत्वपूर्ण बात और बता देते हैं। पहली, अभी हमने टैली में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा उसमें इनकम और एक्सपेंसेस के कुछ ही लेजर्स दिखाई पड़ रहे हैं, पर जब आप वाकई में काम करते हैं तो यहाँ इनकम और एक्सपेंसेस के और भी कई लेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डेप्रिसिएशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस इत्यादि। दूसरी बात ये कि वाकई में काम करते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पहले कई सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करना होती हैं, जिसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 1 दिसंबर 2020 को अपनी मोटरसाइकिल का बीमा करवाया। अब जो बीमा करवाया गया वो तो एक वर्ष यानी 1 दिसंबर 2020 से लेके अगले वर्ष 30 नवंबर 2021 तक के लिए है, जबकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें हमें 31 मार्च 2021 तक के ही खर्च लेने हैं, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इसके लिए हमें इस बीमा प्रीमियम के 2 टुकड़े करना होंगे। पहला 1 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक और दूसरा 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक। अब पहले टुकड़े को हम इस वर्ष का खर्च मानेंगे और दूसरे टुकड़े का प्रोविजन करके उसे अगले वर्ष में ले जाएंगे। इस तरह की कई एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। तीसरी बात ये कि कई बार आप देखेंगे कि कई स्थान पर टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट लिखा होता है। आइए इसे समझ लेते हैं। कई लोग अपना सैलरी और अन्य इनकम का हिसाब टैली में रखते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं यानी जिन्हें इन्वेंटरी यानी स्टॉक मेंटेन की जरूरत नहीं होती वे इसका नाम बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं आइए देख लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। मास्टर के अंतर्गत ऑल्टर के लिए ए प्रेस करें, यहां लेजर सेलेक्ट करें, लिस्ट ऑफ लेजर्स में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेलेक्ट करें। लेजर अल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। यहां नीचे यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। स्केप की प्रेस करके बाहर आ जाएं। देखिए यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम बदलकर इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया है। चूंकि हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, हम वापस अभी बताई प्रक्रिया दोहराकर इसका नाम वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में,
और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बैलेंस शीट के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।